रहा है। पहली रेड पर आशु इस समय अटैक के लिए बिल्कुल तैयार। शुरुआत किया है उन्होंने राइट कॉर्नर से अपने रेड के सफर की। देखना यह है कि क्या इनका सफर आगे तय करते हैं, पॉइंट लेकर के जाते हैं, फिर टैकल किया जाता है। फिलहाल बोनस का टैंप क्या स्वीकार किया जाएगा जी? आजाद इसी तरह का खेल दिखाना होगा, टेक्निक दिखानी होगी, क्योंकि एक सामने मजबूत टीम एकेडमी की टीम है। और यहाँ पर यस टाइगर तूफान की तरह नहीं, बिल्कुल सैलाब सुनामी की तरह खेलना होगा। देखो आजाद, मैं आपको बता दूं डिफेंस का जहाँ तक सवाल है, दोनों कॉर्नर उनका लेफ्ट और राइट दोनों मजबूत है। बिल्कुल सद्दाम आया सामने किया गया, रडार जरूर भेज दिया है कि आप मुझे हल्के में आंकने की कोशिश मत करिएगा। हालांकि मैं कल के मैच की याद दिला दूं, पहली रेड पर सद्दाम को टैकल ही किया गया था, लेकिन सद्दाम ने ही उस मैच का रुख मोड़ा था। बिल्कुल सद्दाम निश्चित तौर से एक अच्छे, चूंकि मेल रेडर की भूमिका में है और वो चाहेंगे कि भी बहुत ज्यादा देर तक बेंच पर न रहा जाए। बेंच पर है तो रिवाइव तो हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। यस बोनस का इशारा आता हुआ है तो भाई, लेकिन आज अपने आप को चाजब किए हैं वो बिल्कुल। होटलों में अगर गिनती होगी तो मेराज नंबर वन आएगा। बिल्कुल रिवाइव करा लिया गया है सद्दाम को, निश्चित तौर से एक जबरदस्त रेडर है, लेकिन पहली ही रेड में उन्हें टैकल किया गया था सामने से ब्लॉक करके। लेकिन क्या दूसरी बार फिर उसे आजमाएंगे या फिर पॉइंट लेकर के जाएंगे? लेकिन बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त, एक रोमांचक संघर्ष चलता हुआ, एक बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ से। पुराने फॉर्म में वापिस यहाँ पर मुबारक भी दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट टाइमली कितना अच्छी तरीके से आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, कवर जो मजबूत मिल रहा है वहाँ मुबारक एंड कंपनी के द्वारा, तो मेराज का काम आसान होता हुआ लगातार। हालांकि पांच खिलाड़ी है तो बोनस है नहीं, टच के खिलाफ हाजीपुर लोकल टीम प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ के टीम इससे समय पूरी तरीके से निकल रहे हैं, निकल रही है इस समय मैराज का। आजाद कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी इस समय चलती हुई हाजीपुर की डिफेंड में, जहां तक सवाल तीन खिलाड़ी है, क्या सुपर टैकल किया जाए? हालांकि बहुत छोटे कद के रेडर है, लेकिन छोटे कितने हैं ये देखने की बात होगी। बिल्कुल पैरों में तो जान समझ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत जबरदस्त खेल दिखाई दे रहा है आज प्रतापगढ़ का। आज इस समय जब पे तेरह खिलाड़ी आए, सुपर टैकल सिचुएशन, क्या सुपर टैकल एक बार फिर से भुनाएगी बिहार की टीम? हालांकि एक सुपर टैकल देने में कामयाब रही है। मत जाइए, निश्चित तौर से एक जबरदस्त मुकाबला सामने दिखाई दे रहा है। अगला मैच पूरे दोजानी वर्सेस बंदी घाट, जो दर्शक दूर दराज है अनिल ओझा जी, उनको बताइए कि फौरन पहुंचे ग्राउंड पर। दोजानी और बंदी घाट दोनों टीम तैयार है। एक सेकंड ऊपर बंदी घाट टीम तैयार है। एक और मीडिया के बंधु हमारे बीच में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। यस 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 यस, जबरदस्त सुलभ भारत, जबरदस्त चुके हैं। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत इस्तकबाल यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप पठाने के लिए उनका। निश्चित तौर से क्या कम बैक करेगी तमजुल भाई टीम? इस समय रेडर अतिक जबकि छह खिलाड़ियों का साथ डिफेंस कर रही है बिहार की टीम। क्या यहाँ पर वापसी का मौका देगी हाजीपुर की टीम, या इस तरीके से इसी आजाद रेशियो में खेल को आगे बढ़ाएगी? आजाद एक बात बता दूं मैं आपको कि मैंने अक्सर मैचेस में देखा है हाजीपुर एक बड़ी बढ़त बनाकर कई मैचेस हारी है, लेकिन इस प्ले बजुल भाई और वो मानता है यहाँ पर बिहार के अंदर की पलटवार कर सके। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लंबा सफर तय करके
आई है, मानता जरूर होगा इनके पास, कोशिश उसकी तरफ पूरी होगी, लेकिन प्रतापगढ़ की टीम हाजीपुर इस समय कोई ढील देने के मूड में नहीं है। देखिए ढील तो कोई नहीं देना चाहता, लेकिन अपने खेल जी बिल्कुल इस समय सट्टा माए हैं, जब कोई छह खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है टीम, तो बोला साल है बिहार का। हालांकि पावर गेम पर ज्यादा विश्वास रखते हैं सत्ता, लंबा स्ट्रेच करके रनिंग है करके बैठ जाए, बैठ करके अपना काम करें, अंदर जो ऑफिशियल टीम है वो बैठ जाए, दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। चुके ये जो मैच, ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है खासतौर से दर्शकों के लिए ही इस समय, तो पॉइंट का जहां तक सवाल है 14-5 यानी 8 पॉइंट बढ़त हो चुका है। हालांकि मैं चाहूंगा कि दर्शक आप इतना खामोशी से रहे हो, आपके लोकल टीम और एक टीम खेल रही है, दो एंड आई रेड पर शिकार हुआ है यहां पर, दो एंड आई पर अच्छा भी दिया जाए। खिलाड़ी है आप सब, थोड़ा सा एग्रेशन कम करिए यहां पर, निश्चित तौर पर दो एंड आई रेड, दो अड्डा इधर से भी, दो एंड डायरेक्ट पर इस समय रेड हुआ है यहाँ पर। हाजीपुर थर्ड रेड पर खेल सकती है मैच को स्लो करके बिल्कुल, लेकिन बिहार को तो बिल्कुल अटैकिंग मोड में खेलना होगा बिल्कुल, क्योंकि पीछे हो चुके हैं वो काफी, तो यहाँ से अगर बढ़त बनाना है उनको तो अटैक तो करना पड़ेगा, और यहाँ देखना है रेड कर डैश कर दिया गया है, कुछ इनको बाहर गए हैं, क्या वापसी करेगी बिहार की टीम या फिर सौ लगाया है मुबारक के ऊपर, जितने भी पॉइंट अर्जित करते हैं मुबारक, चाहे वो टैकल में या फिर रेड में, हर पॉइंट पे ₹100। चलिए इनामों की झड़ी चालू हो चुकी है यहाँ पर हाजीपुर के लिए, पिटारा खुलता हुआ, आशु आज अच्छा खेल रहे हैं निश्चित तौर पर, शुभ संकेत है यहाँ पर हाजीपुर के लिए कि आशु मेन टाइम में वापसी कर चुके हैं। 28-29 रेड आउट लेकिन 25 कैचर भी आउट है, चलिए रेडर तो आउट हुआ, अब कैचर आउट है तो मैं नहीं बता सकता, 30 सेकंड उसका पूरा हो गया था। इस समय रेड निश्चित तौर से एक अच्छा कार्य करना होगा बिहार के लिए अगर यहाँ पर वापसी करना चाहते हैं, वही जिस तरीके से खेल रही है हाजीपुर की टीम इसी रेशियो में खेल को आगे बढ़ाना चाहेगी। देखिए आजाद भाई एक बात मैं बता दूं कि इक्का दुक्का अभी जो पॉइंट अर्जित कर रही है बिहार की टीम, और इससे काम चलने वाला नहीं है इनको, लोकल पहली बार आए हैं रेड करने के लिए, निश्चित तौर पर अच्छे रेडर हैं, टेक्निकल खिलाड़ी हैं वो, आज मैंने देखा है कि मुबारक के जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी चार्ज नजर आ रही है, हालांकि पूरी देखा जाए तो चारों, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस दिया का जिनकी जमकर सेवा किए हैं ढाबा के अंदर। 17-8 यानी 9 पॉइंट की बढ़त लगातार बनाए हुए है टीम जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त डिफेंस खेल रहा है हाजीपुर का, जिसकी तारीफ करना स्वाभाविक है, खुशी, हालांकि ओवरऑल नजर डाली जाए तो ज्यादातर पॉइंट डिफेंस में आए हैं बिल्कुल डिफेंस भी अच्छा खेला है, हालांकि रेडर भी 2-3 पॉइंट बोनस के ले गए वहां से आशु जी बिल्कुल, आशु आज अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा खेल दिखाई दे रहा है, कल के बनिस्बत आज वो थोड़े से अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन क्या अल्लाह पहले हाथ में ला, क्या शिकार, निश्चित तौर से बिहार के इस डिफेंडर ने एक लाजवाब प्रदर्शन करते हुए बेंच पर भेजा आशु को, जो कि थोड़े से खतरनाक साबित होते हो रहे थे बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन लगी है बिहार, लेकिन यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी इस समय सद्दाम के कंधों पर, रिवाइव कराना होगा अपने खिलाड़ियों को अगर मैच ऑल आउट से बचाना है तो, शिकार हुआ
कुशल है, बाल लीग दौर से बाहर हो गई थी, एक घायल शेर की तरह दहाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। निश्चित तौर से आशू को यहाँ पर जिम्मेदारी उठाना होगा, चूंकि सारे रेडर बाहर हैं। बोनस का अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया। 20 मिनट बाकी है हाफ टाइम में, हाफ मिनट का खेल चल रहा है। पहले हाफ का इस समय रेडर जबकि सुपर टाइमली आ रही है, सुपर टाइमली आ रहा है खंड का। ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर मेराज के द्वारा होता हुआ अभी मेराज को 100 रुपए का इनाम दिया है इश्तियाक, जो कि टुनटुन ढाबा के प्रोप्राइटर हैं। अभी तक देखा जाए तो कम से कम 10 पॉइंट बनाया है डिफेंड में। अखंड आज अच्छा खेल दिखाई दे रहा है, हालांकि ओवरऑल बात करते भाई तो काफी अच्छे रन 26, 27, 28 इनके पहले की अंतिम रेट, हालांकि बिहार भी बचा है। 2.9 रेट पर इस समय मुबारक, हालांकि बोनस है नहीं, यहाँ पर कोई लाइफ लाइन नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। एक मजबूत बढ़त के बाद दूसरा हाफ चालू होता हुआ हाजीपुर के लिए। दूसरे हाफ में तफज भाई आप कंटिन्यू रही है, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। एक और रेडर है इस समय रेड करने के लिए, जबरदस्त आज टेक्निक दिखाई है आशु ने, और यहाँ पर एक मौका बना था और उसे संभवता ये तो, लेकिन आज का दिन जब समय आया सही प्रदर्शन करने का, टूर्नामेंट के ये जो संरक्षक हमारे अनिल जी यहाँ पधार चुके हैं, साथ में लौलेश भी है हमारे मित्र, बहुत पुराने हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, हालांकि निगाहें मेरी नहीं पहुंची अनिल और साथ में इस टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता छोटे संरक्षक हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी उपस्थित है, उनका खैर मकदम स्वागत इस्तकबाल इस ग्राउंड पर। हालांकि जब मैं पहले आज के दिन जब दुरुस्त कह सकते हैं आप, यही सही समय पर उन्होंने दस्तक दी है और वो जो जिम्मेदारी दिए थे हम दोनों के ऊपर उसका नमूना भी आशु को मैं रखिए, चूंकि आपके प्रतापगढ़ की टीम आपका जो सपना था प्रतापगढ़ की टीम मेरी अच्छी खेले उसकी थोड़ी सी झलक जरूर दिखाई दे रही है इस आपके प्रतापगढ़ की टीम। बिल्कुल इस समय सच चढ़कर जादू बोल रहा है हाजीपुर का निश्चित तौर पर, लेकिन ये रेड संभवतः एंट्री जाएगी क्योंकि सुपर टैकल ऑन है, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। अब हाजीपुर के खिलाड़ी एक बड़ी बढ़त यहाँ से बना चुके हैं वो। बिल्कुल क्या बिहार के रेडर यहाँ पर कुछ तूफान या सुनामी की तरह छाएंगे, इसी रेशियो में खेल आगे बढ़ेगा। अगर इसी रेशियो में तफज्जुल भाई खेल आगे बढ़ा तो फिर काम बहुत मुश्किल है। आजाद यहाँ से अब पलटवार करना है तो अटैक कर, या तो एक पॉइंट लेकर आएंगे या 2 पॉइंट देंगे आशु। जी बिल्कुल, यहाँ पर होता हुआ 2 पॉइंट टाइम आउट है चालू होता ही हुआ इस समय। 9 नंबर की जर्सी में बिहार का रेडर, कोशिश उसकी कि किसी तरह इस बढ़त को कम किया जाए, पर रेडर को कोई चॉइस नहीं, उनके पास सेफ नहीं खेल सकते वो। अनवर भाई घर हो तो लखनऊ के अंदर 4 खिलाड़ी बचे, राजधानी उत्तर प्रदेश के। मुबारक आज कुछ पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं, बहुत ही अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे? 24-25 करो या मरो, कोई मौका नहीं तो बदल भाई, बिल्कुल लाइफ लाइन है नहीं, बोनस के रूप में पॉइंट लेना ही होगा या देना पड़ेगा यहाँ पर। और जल्दी मेराज यहाँ करते हुए आपको बता दूं, मेराज ये गलतियां हमेशा करते हैं। मैं
मैंने कई मैचेस में देखा है। बताओ, समझ में नहीं आता, जहां सारा प्रेशर रेडर पर होता है वहां मेराज को इस तरह बिल्कुल मिड लाइन के पास ये करने की जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या वापसी का बिगुल बजाएगी टीम बिहार ये देखने वाली बात जब तक सेकंड हाफ खेल चल रहा है। 25, 26, 26, 27 मेरे हिसाब से एक अच्छा खेल है यहां पर। अखंड चौके बेहतरीन डिफेंडर है उनको लाया गया है। हालांकि चूंकि तूफानी और मेराज दोनों बाहर है तो बिहार के पास यहाँ से मौका है। बिहार के पास रेड साइड है भैया, ये थर्ड रेड है नहीं है, है दो अटाई है, दो अटाई है। और यस, ये कमाल हमने देखा है खुर्शीद का, कई बार टाइप हो चुके हैं इस समय कोर्ट पर है। आजाद, बिहार को मैच जीतना है तो उनको ऑल आउट देना पड़ेगा हाजीपुर को निश्चित तौर पर। मजा आ रहा है, लाइन मैन सिर्फ रहे वहां पर और कोई नहीं। एक मिनट पहली बात सिस्टम इस समय रेडार बिहार पलटवार करना होगा उनको और जल्द करना होगा। हालांकि वक्त काफी है अभी उनके लिए, क्या यहां से बल्क में पॉइंट लेकर जाएंगे, एक दो सुपर रेड मारेंगे और बढ़त को कम करेंगे। एक अपील आ रही है लेकिन रेफरी पर कोई सिर्फ तीन खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन में इस समय रेडर सत्ता। हालांकि काबिलियत है सत्ताम के अंदर की, हालांकि पॉइंट ला सकते हैं लेकिन अगर यहां पर सुपर टैकल हुआ तो दो पॉइंट देना नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट और आता हुआ सिचुएशन थी तफजुल भाई की, जो मेन डिफेंडर थे वो बेंच पर गए थे लेकिन धीरे धीरे करके रिवाइव करा लिया यहाँ पर हाजीपुर की टीम ने। इस समय निर्मल संभाता नाम है इनका, 7 नंबर के जर्सी में गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको कंधों पर रिवाइव कराए अपने खिलाड़ियों को। अगर यहाँ से रिवाइव नहीं करवा पाए तो ऑल आउट होना चाहिए, हो जाएगा निश्चित तौर पर मुश्किल वक्त। सिचुएशन सत्ताम के लिए काफी है, एक दो प्लेयर को रोक पाना सत्ताम को थोड़ी सी मुश्किल काम। चलिए दूसरे नेम पर चढ़ी, पॉइंट वैसे भी खिलाड़ी भी नहीं है कोर्ट पर और ऊपर से इधर मैच पुनः चालू होता हुआ। ऑल आउट होने के बाद सभी खिलाड़ी वापस आए हैं सही समय पर, छक्कों का भी हुजूम धीरे धीरे करके यहां पर पहुंच रहा है। और अगला ओवर मामला आजाद, मैं एक बात और बता दूं कि जो रोशन ने अभी इससे पहले अनाउंस किया था फाइनल का सफर तय जिसको करना है वो बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करे, तो देखा जाएगा किस टीम का जाना है और मौका दे दिए आने के चक्कर में रहेगी हाजीपुर की टीम। जी बिल्कुल, चाहिए भी यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन बड़ा रखे, फायदा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं लाइसेंस मिल सकता है। पावर गेम सत्ताम खेलते हैं, हालांकि इनके चाचा इनके यहाँ के हैं एक चाचा, उनका लकब तो आपको मालूम होगा इनको क्या दिए हैं। हाजीपुर बिहार को निश्चित तौर से प्रतापगढ़ में इससे अच्छी टीम नहीं है इस समय, जो टीम इस समय खेल रही है। और यही करना भी चाहिए, जब बाहर की टीमें आए तो एक टीम आप मजबूत बनाइए और कोशिश करिए। जो बाहर की टीमें भी आती है तो बजू भाई कहीं ना कहीं वो एक जगह किया यहाँ प्रसूट करने की कोशिश की गई लेकिन अपने आप को बचाया सत्ताम ने। इस समय रेड 6 नंबर की जर्सी में मुश्किल वक्त है टीम के लिए। दो बार ऑल आउट का दंश झेल चुकी है बिहार की टीम, क्या एक बार फिर से ऑल आउट होगी? यहाँ पर मेरा ऐसा लग रहा है जैसे 37-17 मैग्नेट यहाँ से बिना पॉइंट दे गया भी नहीं पाएगा टीम हाजीपुर,
क्योंकि एक लंबे मार्जिन से जीत अगर होती है और यहाँ पर देखना पड़ेगा 45-17 का स्कोर एक लंबे मार्जिन से इस मैच को जीतने के लिए आ गया। यहाँ से एक ऑल आउट करना चाहेगी टीम क्योंकि उनको मार्जिन बढ़ाना है। चलिए एक बार पुनः चौथी बार, तीन बार तो ऑल आउट कर चुकी है बिहार को ये टीम और एक पॉइंट हुआ कि नहीं अभी रेफरी। चलिए जावेद ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भारी भरकम राशि लगाई है, 5,000 रुपए लगाया है इनाम उन्होंने हाजीपुर को के ऊपर इस मुकाबले के लिए नहीं, चाहे बंदी घाट हो तीनों से किसी की। 46-17 2 मिनट का गेम बाकी है के लिए से किसी टीम को हरा दिया यहां पर हाजीपुर की टीम को 5,000 रुपए इनाम जावेद की तरफ से। चलिए यहां से पॉइंट और आता हुआ प्रदर्शन आज के दिन दिखाई दे रहा है, खासतौर से हाजीपुर का जितने भी खिलाड़ी अभी सब नजर आ रहे हैं। आजाद इस समय हाजीपुर सिर्फ मार्जिन बढ़ाने के लिए खेल खेल रही है क्योंकि जीत तो लगभग हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दर्शन आज दिखाई दे रहा है हाजीपुर कोई एक पॉइंट और लेकर आएंगे या सेफ रेड करके वापस जाएंगे क्योंकि अंतिम रेड है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा सकता है आशु के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, पॉइंट जितना भी मिलेगा फायदेमंद साबित हो सकता है, हालांकि दे भी सकते हैं इसी चक्कर में और दिए। मंच पर विराजमान हूँ इशरत प्रधान। चलिए अब और आपको बता दूं कि खेल की दुनिया का एक